नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी यही चाहते होंगे कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी एक दो महीने में ही जल्दी से जल्दी आपको कंसीव हो जाए, लेकिन जब हम प्रयास करना चालू करते हैं तो हम नई नई समस्याओं को फेस करते हैं। हर महीने कुछ नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, तो क्यों ना उसके लिए कोई एक समाधान निकाला जाए जो कि बहुत आसान हो करने में और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो, 100% हो। तो ऐसा ही एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ, जो कि करने में बहुत आसान है और उसका बहुत अचूक असर भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीपल से अपनी फर्टिलिटी में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने का तरीका बताने वाली हूँ। ये पुरुषों के लिए भी है और ये महिलाओं के लिए भी है, दोनों का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम जान लें कि पीपल से हमारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है, क्या ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि पीपल का पेड़ दुनिया में एक ऐसा पेड़ है जो 2400 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो अगर एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हम आध्यात्म और धर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, हर तरह से मेडिसिनल वैल्यू देखें, तो पीपल का हर एक भाग, पत्ता, फल, जड़, तना, छाल, सब कुछ बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। तो जनरली पीपल के प्रयोग से महिलाओं में जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसकी मसल्स बहुत मजबूत होती है, जिनको बार बार मिसकैरेज हो जाता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, जिनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि उनको बच्चा रुक क्यों नहीं रहा है, रिपोर्ट भी सब कुछ नॉर्मल है, तब ऐसे कंडीशन में यूट्रस को हमको बहुत मजबूत करना होगा, बहुत सारे विटामिन्स की जरूरत होती है हमारी अच्छी प्रेगनेंसी को, शरीर को होल्ड करने के लिए। तो इसके अंदर वो सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एएमएच भी अगर आपका कम है, एग भी अच्छे नहीं बन रहे, या ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, उन सबके लिए ये बहुत ही कारगर है। तो महिलाएं इसका लीफ का वाटर ले सकते हैं। अब वाटर आपको बनाना कैसे है, आइए उसको हम सीखते हैं। फ्रेंड्स, पीपल लीफ का वाटर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाटर। जितना भी हमको कंज्यूम करना है उसका थोड़ा ज़्यादा वाटर लेंगे, ताकि बॉयल होने के बाद हमको पीने की क्वांटिटी बचे। और उसके अलावा हम ये 4 से 5 टेंडर लीफ हम यूज़ करेंगे, जो एकदम कच्ची कच्ची नई पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। इनको वॉश करके रख लेंगे। उसके बाद एक भगोनी लेंगे जिसमें कि हम वाटर डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमको 1 ग्लास यूज करना है तो हम 1 ग्लास के अलावा 1/2 ग्लास और वाटर डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि बॉयल होने के बाद हमको लगभग 1 ग्लास के बराबर पानी मिले। इसके बाद इसमें हम लीफ को डाल देंगे तोड़ के। फ्रेंड्स, ये जो टेंडर लीव्स थी पीपल की, हमने इनको तोड़ के रख लिया है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस पानी को हम 5 से 7 मिनट बॉयल होने देंगे, ताकि थोड़ा कम हो जाए क्वांटिटी में, 1 ग्लास के लगभग हो जाए, तब हम इसको स्टॉप करेंगे। अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक बॉयल कर सकते हैं, जिससे कि इसका अच्छे से एक्सट्रैक्ट जो है पानी के अंदर आ जाए और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे। फ्रेंड्स, इस पीपल लीफ वाटर को आपको पीरियड खत्म होने के बाद से 7 डेज लेना है। फ्रेंड्स, आप अपने हस्बैंड को भी पीपल का फ्रूट का पाउडर दे सकते हैं, उससे अर्ली इजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर अगर लो ड्राइव है, बहुत ज़्यादा ओबेस है, या फिर इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी मेंटेन नहीं हो रही है, तो ऐसी सारी कंडीशन में, या फिर स्मोक करते हैं, बहुत ज्यादा मेडिकेशन लिया हुआ है, तो ऐसी सारी कंडीशन में ये बॉडी को हील करेगा और स्पर्म की क्वालिटी को भी मेंटेन करेगा। अब इसको लेना कैसे है, तो एवरी नाइट, रात में आपको सोने से पहले आपको पीपल के फ्रूट का ड्राई किया हुआ फ्रूट को ग्राइंड करके स्टोर कर लेना है, और उसका 1/2 चम्मच, 1/2 टीस्पून पाउडर को दूध के साथ लेना है। दूध आप 1/2 कप, 1 कप ले सकते हैं, उसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप हनी या शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर बिना ऐड के प्लेन मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। ये प्रयोग आपको 3 महीने रेगुलर करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तनाव मुक्त रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।